अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अपोजिशन के हाथ में गैर इंतजारों से इस्तीफा दे देंगे। अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अपोजिशन के इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अपोजिशन के इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। सहाफियों के गैर रस्मी गुफ्तगू ने कहा कि काफ्रीक एम के एम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अपोजिशन इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगु में कहा कि काफ्रीक एम के एम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अपोजिशन इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगु में कहा कि काफ्रीक एम के एम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अपोजिशन इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगु में कहा कि काफ्रीक एम के एम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। सियासी गहमा गहमी में अपोजिशन इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगु में कहा कि काफ्रीक एम के एम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। मजीद तफसील अहम खबर आपको देते हैं। मजीद तफसील अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इकबाल कहते हैं अवामी पार्टी अहम खबर आपको सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अपोजिशन इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है।
अपोजिशन इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि काफ लीग, एमकेएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। मजीद तफसीलात अहम खबर आपको देते हैं। सियासी गहमा गहमी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है। अपोजिशन इतिहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि काफ लीग, एमकेएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिल